खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। बरेली में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लगातार बढ़ती महंगाई और अनाधिकृत रूप से की जा रही जासूसी के विरोध में कांग्रेस की ओर से आज फरीदपुर में तहसील के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय जी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। धरने में उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा, आज लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण गरीबों, मजदूरों, मध्यवर्गीय लोगों का जीवन मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, वो हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, किसान परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। गुलाम होने जा रहा है और इसलिए मैं कहता हूँ ये गुलाम होने जा रहा है, क्योंकि आपने देखा जो हमने कांग्रेस की सरकारें जो पूर्व में रही है, कांग्रेस के नेताओं ने जो इस देश की सरकार की संपत्ति बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, एक एक करके उनको बेचने का काम किया। आपने देखा अब अडानी एयरपोर्ट के नाम से जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हुआ करता था लखनऊ के अंदर, वो अडानी एयरपोर्ट होकर आ गया है। ऐसी रेलवे, तमाम चीजें, तमाम देश की चीजों को, संपत्ति को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और ये किसी और के लिए नहीं किया जा रहा। जो चुनाव में जिन्होंने फंडिंग की थी, जिन्होंने चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका सहयोग करने का काम किया था, जो मीडिया को खरीदने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी अडानी और अंबानी, उनके लिए मोदी की सरकार काम कर रही। हमने इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराने से लेकर इस देश को विकास करने तक तमाम काम किए हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज मोदी की सरकार दोबारा गुलामी इसलिए करना चाहती है, वो चाहती है कि अडानी और अंबानी का राज इस देश के अंदर आना चाहिए, इस देश के अंदर अडानी और अंबानी हो और सिर्फ हम सारे लोग गुलाम होकर उनका कहीं ना कहीं गुलामी की ओर जाएं। ये साथियों, ये समझने की आवश्यकता। मैं सब लोगों से अपील करने आया हूं इस धरने के माध्यम से, अगर हम लोगों ने अपनी आवाज ही अपनाता है जो संसद के अंदर खड़े होकर जिनका साथ देता है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के अंदर खड़े होकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया था। आप तमाम साथी जानते हैं, आज मोदी सरकार अगर कोई रवैया, ये गलत तरीके का रवैया अपना रही है, इसमें समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की मंशा है। इन सारी चीजों को आपको समझना है, और जिस पार्टी ने आपको देश आजादी से लेकर तमाम समस्याओं के, आज भले ही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सरकार ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आवाज अगर कोई बुलंदी से उठाने का काम कर रहा है या संघर्ष करने का काम कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का। ये सारी चीजें आपको समझने की आवश्यकता। मैं साथ ही सभी लोगों से अपील करने आया हूँ कि आप लोग इस महंगाई की जो मार हमारे साथ, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ये थोपने का काम किया है, इसके विरुद्ध खड़े होकर इसको आवाज बुलंद करिए और कहिए कि अब हमें नहीं चाहिए। आप लोगों को कहना है कि बहुत ही महंगाई की बात, ना बाबा मोदी सरकार, ऐसी चीजों को लेकर आपको खड़ा होना है और आने वाले 2022 के चुनाव में इनको सबक सिखाना है। जो हमारी आवाज नहीं उठा सकता, महंगाई के खिलाफ नहीं बोल सकता, वो हमारे लिए हमारा नेता नहीं हो सकता, उनको सबक सिखाने की आपको आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने यहाँ पर इस धरने के माध्यम से धरने को सफल बनाया, मैं सबका दिल से आभारी हूँ। और एक साथ खड़े होकर हमें खड़े होकर ये नारा लगाना है कि बहुत ही महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत ही महंगाई की मार, नहीं चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।